Hello guys, today we are learn about Pigou-Nguyen principle. This is most important topic for your exam. आज हम Pigou-Nguyen principle सीखेंगे और इस principle से कुछ problem भी solve करेंगे. ठीक है, जो आपको आपके exam paper में आती है, जो problem बहुत बार हर साल आती है आपके exam के लिए. तो व्हाट इज पिगोनन प्रिंसिपल? इफ एन पिगोनन्स आर ऑक्यूपाइड बाय एन प्लस वन और मोर पिगोन्स, देन एटलीस्ट वन पिगोन होल इज ऑक्यूपाइड बाय मोर देन वन पिगोन्स. ठीक है, पिगोनन प्रिंसिपल के दो फॉर्मूला होती है, एक एक नॉर्मल फार्मूला और एक जनरलाइज फार्मूला. ये नॉर्मल फार्मूला है, ये नॉर्मल फार्मूला है. ठीक है, और ये जनरलाइज फार्मूला. जनरलाइज फार्मूला आपके बेसिकली यूज होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. जनरलाइज फार्मूला ही बेसिकली यूज होती है, राइट? इफ एन पिगन होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय के एन प्लस वन और मोर पिगन्स, के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन एटलीस्ट वन पिगन होल इज ऑक्यूपाइड बाय के प्लस वन और मोर पिगन्स, राइट? यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एक के एन प्लस वन आ गई, यहाँ पर के यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल का जो डेफिनेशन है ये आपके लिए क्लियर हो जाएगी. तो मेरी फर्स्ट एग्जांपल मैंने करके रखी थी, ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल है. यहाँ पर क्या बोला गया कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन एन इंस्टीट्यूट टू बी श्योर दैट फोर ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम मंथ. ठीक है, इस तक आपके क्वेश्चंस है. ठीक है, और इसको मैंने फाइंड आउट किया, इसको आपको खुद से करना होगा एग्जाम पेपर में. इसको मैंने फाइंड आउट करके रखी थी. यहाँ पर एन इज इक्वल टू आपको एग्जाम पेपर में दिया नहीं जाएगा, एन इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है. एन इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करना है, राइट? एन इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 12 मंथ क्यों लिखा, राइट? अच्छा, क्यों लिखा यहाँ पर? यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चंस में क्या है, आपका क्वेश्चंस में सारी आंसर है. यहाँ पर फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन एन इंस्टीट्यूट टू बी श्योर दैट फोर ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम मंथ, राइट? सेम मंथ आपको जब भी बोला जाएगा तभी एन इज इक्वल टू 12 होगा, क्योंकि हमारी एक साल में मंथ कितना आता है, 12 मंथ. ठीक है, जब भी ये सेम मंथ ये वर्ड यूज होगा आपके क्वेश्चन के लिए तभी एन इज इक्वल टू 12 मंथ ही होगा. ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखी थी एन इज इक्वल टू 12 मंथ आर द पिगन होल्स. ओके, एन आपका फाइंड आउट हो गया. अब क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, क्वेश्चंस में गिवन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है के प्लस वन गिवन है. जब भी के प्लस वन कैसे फाइंड आउट करना है, राइट? फोर ऑफ देम, ऐसी वर्ड अब जब भी यूज होगा तो वो के प्लस वन है, इसीलिए एन इज इक्वल टू 12 है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया. अब के प्लस वन, के प्लस वन फोर ऑफ देम, के प्लस वन फोर ऑफ देम है, फोर है. ठीक है, जब भी ये वर्ड अब यूज होगा तो ये के प्लस वन है, राइट? तो के इज इक्वल टू कितना होता है, 3 हो गया. अब मुझे फाइंड आउट किसको करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन एन इंस्टीट्यूट. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं के एन प्लस वन का वन की जो वैल्यू आएगी वही द मिनिमम नंबर हो जाएगी टीचर्स के लिए. ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एन प्लस वन हमें फाइंड आउट करना है, राइट? तो हमारे पास एन का वैल्यू है, के का भी वैल्यू है, तो के एन प्लस वन हमारी निकल जाएगी. के का वैल्यू कितना है, 3, एन का वैल्यू कितना है, 12 एंड प्लस वन, तो 12 एंड 3 इंटू 36 प्लस वन 37 होता है. तो ये आपके आंसर, ठीक है, तो ये आपके आंसर 37 मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन एन इंस्टीट्यूट टू बी श्योर दैट फोर ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम मंथ. ओके, तो हमारी आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे एग्जाम्पल टू. ठीक है, एग्जाम्पल टू क्या है? अ बॉक्स कंटेन 10 ब्लू बॉल्स. ओके, 10 ब्लू बॉल्स, हाँ, 20 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स,
15 येलो बॉल्स एंड 25 वाइट बॉल्स. हाउ मेनी बॉल्स मस्ट वी चूज टू इंश्योर दैट वी हैव 12 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, राइट? तो यहाँ पर एन कितना है, कितना बॉल है, ब्लू कलर की बॉल है, रेड कलर की बॉल है, कैटेगरी कितना है वो देखेंगे. ब्लू कलर की बॉल है, रेड कलर की बॉल है, ग्रीन कलर की बॉल है और येलो कलर की बॉल है और वाइट कलर की बॉल है. तो 1, 2, 3, 4, 5. तो एन इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर, कलर्स की कैटेगरी कितना है, ब्लू है, रेड है, वाइट है, ग्रीन है और येलो है. 5 कलर है यहाँ, तो एन इज इक्वल टू 5 होगा, राइट? तो एन इज इक्वल टू 5, ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास अब देखिए हमारे क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करना है. हाउ मेनी बॉल्स मस्ट बी चूज इन टू इंश्योर दैट वी हैव 12 बॉल्स ऑफ सेम कलर, ठीक है. तो ये जो है वी हैव 12 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, ये जो है ये आपकी के प्लस वन है, राइट? तो के प्लस वन कितना है, 12 बॉल्स ऑफ द सेम कलर है यहाँ, तो 12. तो के इज इक्वल टू कितना होता है, 12 होती है, राइट? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी बॉल्स मस्ट वी चूज टू इंश्योर दैट वी हैव टू 12 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, ठीक है. हाउ मेनी, ये जो है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये जो है ये के एन प्लस वन है, राइट? अगर के एन प्लस वन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ही वैसी है, हमारे प्रिंसिपल में ही सब कुछ है, ठीक है. तो यही हमारी के एन प्लस वन है. तो के का वैल्यू कितना है, अगर हम के एन प्लस वन फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी हाउ मेनी बॉल्स मस्ट वी चूज इन टू इंश्योर दैट ये हमारी निकल जाएगी, ठीक है. तो के कितना है यहाँ पर, 11 है, राइट? एन कितना है, 5 है प्लस वन. 55 प्लस वन इज इक्वल टू 56, ओके. तो 56 बॉल्स मस्ट वी चूज टू इंश्योर दैट वी हैव 12 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, ठीक है. तो ये हमारी आंसर है, राइट? अच्छा, तो हमारी एग्जाम्पल 3 अब करेंगे. एग्जाम्पल 3 में क्या है, 3 में फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास टू बी इंश्योर दैट 6 ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम मंथ. यहाँ पर भी देखिए आपका सेम मंथ टर्म यूज हो रहा है, सेम मंथ. तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना है, 12 है, ठीक है. और यहाँ पर आप देखिए 6 ऑफ देम ये टर्म यूज हो रहा है, ये क्या होता है आपका, ये होती है के प्लस वन, राइट? 6, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 5. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है आपका, ये k n प्लस वन है, ठीक है, k n प्लस वन, राइट? तो k n प्लस वन है, ठीक है. तो k का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 6 है, n का वैल्यू 12 है, राइट? सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर k प्लस वन का वैल्यू 6 है.
के का वैल्यू 5 है और मैंने के प्लस 1 का वैल्यू लिख दिया, बट यहाँ पर के इंटू एन प्लस 1 है, यहाँ पर के का वैल्यू हमें लेना है, तो के का वैल्यू 5 था इसलिए मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर। 5 × 12 कितना होता है? 60 होता है, राइट? तो 60 + 1 इज इक्वल टू 61। तो 61 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास टू बी श्योर दैट 6 ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम कलर, ठीक है? अच्छा, तो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या है? सपोज अ लॉन्ड्री बैग कंटेन मेनी रेड व्हाइट ब्लू सॉक्स, ओके? फाइंड द नंबर ऑफ सॉक्स दैट वन नीड्स टू चूज इन ऑर्डर टू गेट टू से सॉक्स ऑफ द सेम कलर, राइट? तो यहाँ पर एन क्या है? यहाँ पर एन क्या होगा? यहाँ पर कलर कितनी है? यहाँ पर कलर है रेड है वाइट है ब्लू, तीन कलर यूज है, तीन कैटेगरी, ठीक है? तो एन इज इक्वल टू यहाँ पर 3 आएगी। के प्लस वन कितना है यहाँ पर? K+1 2 है, क्योंकि K+1 कौन सा है? आपके क्वेश्चंस में ही सारी आंसर आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर आप देखिए K+1 2, ये आपकी K+1 है। गेट टू सॉक्स ऑफ द सेम कलर, ठीक है? मैंने बोली थी कि ऐसी जब भी टर्म आपके क्वेश्चंस में यूज होगी तो वो K+1 होगी। तो K+1 कितना है? गेट टू सॉक्स ऑफ द सेम कलर, तो K+1 3 है और K का वैल्यू कितना है? 1 है, राइट? तो हमें फाइंड क्या करना है? K n+1 फाइंड करना है, राइट? सॉरी, ये n+1, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स, यही आपकी k n+1 की वैल्यू है। अगर k n+1 का वैल्यू हमें अगर हमने फाइंड आउट कर दिया तो हमारी मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स ये जो है ये फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमारी k n+1 कितना होता है? k n+1, k का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 1 है, n का वैल्यू 3 है, +1 सो 4, ओके? तो k n+1 4 होता है, तो ये आपके आंसर है, ठीक है? द फोर मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स दैट वन नीड्स टू चूज इन ऑर्डर टू गेट टू सॉक्स ऑफ द सेम कलर, ठीक है? ये आपकी बिगिनर एंड प्रिंसिपल का पूरा ट्यूटोरियल है। आई होप आपको बिगिनर एंड प्रिंसिपल की बारे में जो जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाएगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब आपने कर दिया तो आप बहुत ही मेरी न्यू वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप कर लीजिए नोट डाउन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? थैंक यू।